नमो नमः, आपका स्वागत है वैदिक जीवन यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लाए हैं एक नई पुस्तक जो आती है गीता प्रेस गोरखपुर से, और पुस्तक का शीर्षक है वैदिक सूक्त संग्रह सानुवाद। ये अनुवाद के साथ है, हिंदी अनुवाद के साथ है, और जितने भी जो प्रचलित सूक्त हैं वैदिक सूक्त हैं उनका संग्रह एक ही पुस्तक में है। तो और पुस्तक का कोड है ये 1885। ये इसका चित्र है, कवर पेज है, सॉफ्ट कवर में आती है ये पुस्तक, छोटे साइज़ की है। तो चलिए इसका माप देख लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 5.5 इंच, और जो इसकी लंबाई है वो 8 इंच। तो चलिए अंदर देखते हैं पुस्तक है कितने की, कितने पन्नों की, और अंदर विषय वस्तु क्या है। तो पुस्तक का मूल्य है मात्र 40 रुपये। 40 रुपये में आपको जो भी सूक्त हैं, जो प्रचलित सूक्त हैं वैदिक सूक्त, वो एक ही पुस्तक में एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। तो सूक्त मैं थोड़ा सा बता दूँ सूक्त क्या है। सूक्त शब्द का अर्थ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। सूक्त शब्द का अर्थ हुआ अच्छी रीति से कहा हुआ वैदिक मंत्रों के पूर्व निश्चित विशिष्ट मंत्र समूह, ये सूक्त कहे जाते हैं। तो सूक्त मंत्रों का एक समूह है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये है इसकी विषय वस्तु। इसमें पन्ने कितने हैं मैं बताना भूल गया, मैं बता दूँ। इसमें पन्ने जो है 255, इस पुस्तक में 255 पन्ने हैं, और ये विषय वस्तु है जितने भी सूक्त हैं इसमें इनका, और ये जो मंत्र समूह है वो वेदों से लिए गए हैं। तो उसका संदर्भ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या, कौन सा सूक्त है, किस वेद से संदर्भ लिया गया है, और का पृष्ठांक लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं वैदिक गणेश स्तवन, मैं सभी का नाम तो नहीं पढ़ सकता, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इस पुस्तक को मैं नित्य पूजा में यूज़ करता हूँ, श्री सूक्त का पाठ करता हूँ। तो अभी एक या दो दिन में श्री सूक्त के पाठ पे मैं वीडियो डालने वाला हूँ, कई सारे वीडियोस मेरे प्लान हैं। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं, अपार धन की प्राप्ति, अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन वैभव प्राप्त करने के लिए, अगर आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं तो पाठ विधि उच्चारण और जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र है उसका उच्चारण कैसे होगा, बहुत ही इस पर सरलता से आप उच्चारण कर सकते हैं। तो उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। तो ये सारी सूक्त हैं, फिर अगले पन्ने पे देखते हैं। पृथ्वी सूक्त, पितृ सूक्त, गो सूक्त, फिर लोक कल्याणकारी सूक्त। अच्छा, ये मैं बता दूँ इसमें ये वर्गीकृत किया गया है सूक्तों को, पंचदेव सूक्त, इसके अंदर ये देवताओं के सूक्त हैं। फिर ये अन्य देव सूक्त में अग्निदेव, पवनदेव, इंद्रदेव, वरुणदेव, उन सब से संबंधित सूक्त हैं। और इसमें संदर्भ भी दिया हुआ है कहाँ से, कौन से वेदों से लिए गए हैं सूक्त को। और ये कुछ लोक कल्याणकारी सूक्त हैं, धनानंदान सूक्त, रोग निवारण सूक्त, औषधि सूक्त, दीर्घायुष्य सूक्त, लोक कल्याणकारी सूक्त हैं। फिर कुछ इधर हैं, फिर आध्यात्मिक सूक्त आप देख सकते हैं, ये हैं कुछ सूक्त। इस प्रकार से इतनी अच्छी पुस्तक आपको उपलब्ध नहीं है जो एक ही जगह एक ही पुस्तक में इतने सारे सूक्त आपको मिल जाए मात्र 40 रुपये में। तो ये था, काफ़ी लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं यूट्यूब में, अगर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो इसी पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें श्री सूक्त है, इसमें 16 ऋचाएँ, ऋचाएँ मीन्स जो वेदों में जो श्लोक होते हैं उसको ऋचाएँ बोलते हैं। तो ये इसमें 16 ऋचाओं का पाठ किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से 1, 2, 3 इस प्रकार से 16, यहाँ पे 16 और भी ऋचाएँ हैं, परंतु जो पाठ होता है श्री सूक्त में 16 ऋचाओं का ही होता है। तो हम लोग ये 16 ऋचाओं तक इसका उच्चारण कैसे करते हैं, इसका अर्थ क्या है,
और पाठ विधि और ओम करना है, हवन करना है, तो पूरी विधि पे वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस चैनल से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, और आपके मन में कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, श्री सूक्त के वीडियो में। तो संभवतः कल मैं इसे अपलोड कर दूंगा, श्री सूक्त का जो उच्चारण का वीडियो है, और ये वीडियो तो आज ही अपलोड होगा। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।